उज्जैन के असलाना गांव के पास गंभीर नदी से रेत निकाली जा रही है। देर रात रेत के उपयोग में आने वाले डंपर ट्रैक्टर ट्राली से खेतों में फसल खराब हो रही है। इसको लेकर परेशान किसान शिकायत लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पहुंचे। उज्जैन के बड़नगर रोड पर चिकली गांव निवासी किसान और आसपास के किसानों की समस्या है कि इनके खेतों में खड़ी हुई फसल खराब हो रही है, क्योंकि रेत निकालने वाले वाहनों में उपयोग की जा रहे ट्रैक्टर डंपर से फसल खराब हो रही है। खेत के पास की जगह का कटाव हो जाने की वजह से खेत खराब हो रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भैया बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हम चिकली रहते हैं, नाम है संजय सिंह राजना पटेल। संजय भैया, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या समस्या, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है सर, हमारी जमीन है निजी, उसमें रेत खुदाई हो रही है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। हमने सारे दूर अधिकारी को आवेदन भी दिया, सब कुछ कर लिया हमने। कहाँ कहाँ पर आपने आवेदन दिए? कहाँ पर? कलेक्टर ऑफिस दे दिया, माइनिंग में दे दिया, थाने में दे दिया। किस प्रकार से दिक्कत आती है, क्या समस्या आती है, क्या होता है? हमारी निजी जगह के पास में जो है शासकीय जगह है थोड़ी बहुत, उसको खोदे, वो हमारी निजी जगह खोदे गए। तो फिर वाहन निकलते हैं तो क्या होता है, क्या समस्या आती है? समस्या हुआ कि वो जगह हमारी खराब हो रही है ना सर। अच्छा, तो आपने बताया नहीं उन अधिकारियों को? बताया नहीं साहब? अधिकारियों को बता दिया, सारी वीडियो भी उनके पास पहुँचाए हमने, अधिकारियों को जानकारी दी। अच्छा, कितने समय से आप परेशान हो रहे हैं और कितने? 4 महीने हो गए सर। आसपास के और भी किसान परेशान होते होंगे? सभी किसान परेशान है, पर कोई मुद्दा ही नहीं ले जाए उस बात का। अच्छा, डरते हैं क्या? डरते हैं, वो आतंकवादी है सर, मेरे को 2 चक्कर मारने आ गया वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।